Hey, so hi, good morning. और आज है पंजाब के कन्याकुमारी का 112 डेज और हम लोग आज से इस जगह पे हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को गाइस। आज रात में हम लोग यहीं पर थे और ये भाई जान आप भाई भैया हैप्पी न्यू ईयर। ये भाई कर रहा है तगड़ा उगड़ा लगा पड़ा है भाई 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 ब्रो थैंक्स। तो भाई आज की जर्नी हमारी होती है स्टार्ट और हम लोग रात में यहाँ पर थे इस जगह पे, काफी मजे किया, एकदम जन्नत नजारेदार काम था। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि आज का जो हमारा स्टे था उस स्टेशन के पास था विरदू नगर और यहाँ से अभी निकलना पड़ रहा है। चलो भाई, और एक और चीज़ यार, यहाँ पर ना एक झंडा था बहुत तगड़ा वाला, यहाँ पर आज हमको स्टे मिला था एक स्टेशन पे, वहाँ पर हम लोग रुका। रात में से बताओ, यहाँ पर ना कोई भी आपको जगह देने के लिए तैयार नहीं होता पहली बात तो, और ये लोग ऐसे करा करते जैसे कि हम लोग इंसान ही नहीं है। तो ठीक है यार, बाकी बहुत मुश्किलों से हमें वो जगह मिला था कल स्टेशन पे, हम लोग वहीं रुके और अभी हम सुबह सुबह निकल चुके हैं और ये है मार्केट। तो आज निकल रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाएंगे, कितने किलोमीटर तय करते हैं। और बाकी सभी को एक वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और ये मार्केट है, लगे पड़े हैं सब सुबह सुबह। तो भाई हम लोग ऑन द वे थे, रास्ते में जा रहे थे और हमें एक जगह मिला, ये देखिए बिल्कुल पानी के बीच में, और एक मूर्ति है, मंदिर है पूरा का पूरा, गजब का व्यू आ रहा है भाई गजब। और यहाँ पर जाने के लिए वो नाय रखी हुई है उस साइड में। तो बाकी साउथ में यार चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई हैं, कई कई जगह पर अच्छी भी चीज़ें हैं, तो देखने लायक है साउथ में से। तो ठीक है यार, वीडियो में बने रहिए, हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो भाई हम लोग अभी बैठे हैं यहाँ पर आके एक रोड के एकदम किनारे वाले साइड में और यहाँ से हम लोग व्यू देख रहे थे। व्यू तुम लोग भी देखो यार, एकदम मस्त व्यू हुआ पड़ा है। बाकी बारिश हो रही है और बारिश में यार थोड़ी बारिश हो रही है, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, यही चल रहा है। और अभी तक हम लोग 26 किलोमीटर आ गए हैं वेलदुर्ती नगर से यहाँ तक, 26 किलोमीटर, और अभी देखते हैं आगे तक कहाँ तक जा पाएंगे आज। और बाकी यार मज़ा आ रहा है, अगर ये भाई नहीं होता ना यार, सच में कह रहा हूँ मैं हौसला तोड़ने लग जाता क्योंकि हौसला धीरे 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 टूटता जा रहा है, पता नहीं क्यों। जैसे जैसे मंजिल पास में आ रही है ऐसा हो रहा है कि कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ, पर पता नहीं क्या हो रहा, बस बस इसी का साथ है अब तो। और ये भी बेचारा देख रहा, टायर्ड हो गया बिल्कुल, टायन भी हो गया तमिलनाडु में धूप बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा धूप है। और एक और बात यार, इतनी धूप में ना ये बेचारा गोरा चिट्टा आया था, इसको भी अपने जैसे ही बना दिया, काला कलुआ कलुआ कलौंडा। तो ठीक है गाइस, वीडियो में बने रहिए, देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँचते हैं। वी आर डूइंग फर्स्टली एडिटिंग एंड देन वी हैव टू अपलोड। तो भाई हम लोग ऑन द वे थे और यहाँ पर कुछ भाई लोग मिल गए और यहाँ पर ये भाई ने बोला कि यहाँ पर कितने दिन में पहुँचे, हम लोग बोला 112 दिन में, तो काफ़ी एकदम तगड़ा एक्सप्रेशन था इनका तो। तो अभी इनको हमने इनको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, फिर अखबार दिखाया भाई ने कि भाई अखबार देख लो, क्योंकि कल वाले अखबार में हमारा आर्टिकल छपा हुआ था, हमने आर्टिकल दिखाया तो ये बोले शॉक्ड हो गए कि भाई हाउ कैसे कर रहे हो सब। उन्हें बोला बस किस्मत अच्छी करे जा रहे हैं, थैंक्स मैन, थैंक यू सो मच, चले ओके बाय बाय सी यू। तो भाई हम लोग अभी यहाँ पर एक ढाबा में रोटी खाए हैं और यहाँ से फिर अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे अब यहाँ पर जाएंगे, आगे एक सिटी है। और फिर बाकी ने एक रोटी बना रहे थे यार, मैं तो रोटी दिखाता हूँ, गजब बना रहे हैं ये लोग, इनकी रोटियाँ बिल्कुल अलग टाइप की होती है। मैं पहले कंफ्यूज अगर रोटी ये कुछ और है, ये देखिए ओके, अरे वाह ग्रेट। तो ठीक है भाई ओके सर, अभी यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सिटी के अंदर, सिटी के अंदर जाके कैंप लगाएंगे।
लोगों का खाना एकदम अलग है यार, मतलब वेरी एकदम डिफरेंट। रोटी भी वैसे नहीं बनती, सब्जी भी वैसे नहीं है, दाल भी वैसे नहीं है, सब कुछ अलग अलग है। तो खाने के बारे में तो क्या ही बोलूँगा, एकदम डिफरेंट लेवल का खाना है। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, जल्दी जल्दी चलते हैं यार। वैसे ऑलरेडी हम लोग 30 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और यहाँ से 7 किलोमीटर और जाएंगे, यहाँ पर टोल है, टोल के थोड़ा सा आगे। ठीक है, वीडियो में बने रहो और लास्ट तक बताएंगे कि आज भाई लास्ट में हमें कहाँ जगह मिलता है रहने के लिए। तो भाई ये भाई लोग मिले हैं अभी और उन भैया ने हमें एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल दिया है और ये भाई इतना कांप रहा है, भीग गया है एक्चुअली। कुछ ज्यादा ही कांप रहा भाई है। हाँ या तो भाई साहब, बड़े मुश्किलों के बाद हमें इस जगह पे रात में मिला था स्टे। बाकी ठीक है यार, अच्छा था, हम लोगों ने यहीं पर कैंपिंग किया था और कैंपिंग करके सो गए थे। सुबह उठे 8 बजे आराम से और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 9 बज रहा है और बाकी अभी अब चलो देखते हैं यार कहाँ जाएंगे। बाकी ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।